स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। जैसा कि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि सर हमें मॉडल पेपर समझाइए, मॉडल पेपर के बारे में बताइए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट हैं कि सिलेबस बार बार सब्जेक्ट और सिलेबस बता देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें सिलेबस नहीं पता है, किसे कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत इसलिए आ रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डायरेक्टली एडमिशन ले लिया है डिफार्मा में या जीएनएम में और आयुर्वेद से है, वो कोर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी है कि कोर्स का ड्यूरेशन कितने दिन का है, कोर्स करने के बाद से क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक एक कमेंट के हिसाब से, जो भी आप कमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया हो गई है, 2000 सब्सक्राइबर का परिवार हमारा बन चुका है, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन व्यूज़ नहीं आ रही है, कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेहनत करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो दिक्कत होगी, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप लेट वीडियो देखोगे तो फिर मुझे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है अपने कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो बिना देरी किए टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे, जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं, जीएनएम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, तो आयुर्वेद में जीएनएम कोर्स को आयुर्वेदिक उपचारिका कहा जाता है। वैसे तो एलोपैथ में जीएनएम कोर्स है जिसको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी बोला जाता है, वो 3.5 साल का कोर्स था। तो कोर्स की एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कोर्स है 3 साल 9 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको 3 एग्जाम देने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 एग्जाम देने हैं। बट जो एग्जाम है आपका फर्स्ट ईयर का वो बोर्ड कराता है, सेकेंड ईयर का एग्जाम कई कॉलेज अपने अंडर में करा लेते हैं लेकिन सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं होता है, फिर थर्ड ईयर में आपका एग्जाम होगा। और जब आप इंटर्नशिप में चले जाओगे, आपकी इंटर्नशिप जो है 9 महीने की होगी, इंटर्नशिप जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंटर्नशिप के बाद से आपका एक प्रसूति का पेपर होगा, प्रसूति के पेपर का प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट मिलना है आपको, लास्ट ईयर थर्ड ईयर का भी रिजल्ट मिलना है, और प्रसूति के पेपर का भी आपको जब पेपर हो जाएगा उसका भी रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद से आपको बोर्ड में बकायदा रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जहां भी आपने आयुर्वेद विभाग से ही आपको इंटर्नशिप करना है, आयुर्वेद विभाग के इंटर्नशिप का जब पेपर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद से आप खुद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज के द्वारा एप्लीकेशन करा सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है आपके कोर्स को समझने का, एकदम आसान प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये समझ में ना आए। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, आपका कोर्स 3.5 साल का नहीं है, 3 साल 9 महीने का है, जिसमें आपके 3 पेपर होने हैं, सेकेंड ईयर में पेपर नहीं होना है, फर्स्ट ईयर में आपका पेपर होना है, फिर लास्ट ईयर थर्ड ईयर में आपका पेपर होना है। 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद से फिर से आपका जो प्रसूति का पेपर है, जिसको मिडवाइफरी कहते हैं, मिडवाइफरी का पेपर होना है, 200 नंबर का ही वो पेपर होगा। बाकी फर्स्ट ईयर का पेपर आपका 1000 नंबर का होगा, जिसमें 500 नंबर की थियरी है और 500 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। उसी तरह लास्ट ईयर में भी आपका जो पेपर है वो 4 सब्जेक्ट के हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट नहीं है, लास्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो 4 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, तो 400 नंबर के हो गए और 400 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, मतलब कि सेकेंड जो लास्ट ईयर है वो 800 नंबर का हो गया, और फिर उसके बाद से 200 नंबर का प्रसूति का पेपर होगा, वो इसमें एडअप हो जाएगा, तो 1000 मार्क का आपका टोटल ये हो गया। तो 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद से मिडवाइफरी का पेपर होना है 200 नंबर का, उसमें भी आपके 100 नंबर रिटेन में है और 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल का है, वो भी प्रैक्टिकल जो वाइवा आपका होगा, वो जो आपने इंटर्नशिप की है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो
आशा करता हूं कि जो भी कंफ्यूजन रही होगी जीएनएम को लेकर के वो काफी हद तक दूर हो गई होगी। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो अपने कोर्स को लेकर के, तो आप बताइए आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। तो आज मैं आप सबके बीच में लेके आया हूं जो आयुर्वेदिक उपचारिका है, फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट है उनका फर्स्ट पेपर, जिसको द्रव्यगुण विज्ञान और भैषज कल्पना नाम दिया गया है। द्रव्यगुण विज्ञान और भैषज कल्पना का जो सब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट पेपर है। ये सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ोगे और लास्ट ईयर थर्ड ईयर में भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मतलब कि 2 साल का टाइमिंग मिल रहा है ये पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया है। आपको इस वीडियो में भी लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहां से वीडियो देख सकते हो या आप सर्च करके देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे ही वीडियो के अंडर आपको मिल जाएगा जो सिलेबस है, सेकेंड ईयर का भी सिलेबस, लास्ट ईयर का भी सिलेबस समझने के लिए आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपको उसमें मिल जाएंगे वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं कि मॉडल पेपर किस तरह से है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी पेपर होंगे थियरी के, सब 100 नंबर के पेपर होंगे, और हर जो वाइवा होगा सब्जेक्ट का वो आपका 100 नंबर का होगा। तो 400 नंबर की थियरी और 400 नंबर का पेपर, जो कि सेकेंड ईयर में कई कॉलेज पेपर लेते हैं और कई कॉलेज नहीं लेते हैं। बोर्ड ने ये कॉलेज के ऊपर छोड़ रखा है, तो कॉलेज पेपर ले ना ले उससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। तो सेकेंड ईयर में पेपर नहीं होना है, आप ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो जो लास्ट ईयर में आपका जो पेपर होगा वो कुछ इस तरह से आपका पेपर आता है। तो मैंने एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया हुआ है जिसमें द्रव्यगुण विज्ञान और भैषज कल्पना के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे इन्वॉल्व है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि एग्जाम में आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कि 7 प्रश्न एग्जाम में दिए रहते हैं और सातों में से किसी 5 के आंसर आपको देने होते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर भी, शॉर्ट नोट भी होते हैं, मतलब कि टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन टिप्पणी वाले क्वेश्चन सेक्शन में 4 प्रश्न होते हैं और चारों का आंसर आपको देना है। हर एक प्रश्न जो है 5 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का मिलेगा। कितने का पेपर हो जाएगा आपका? 20 × 5, मतलब कि 100 मार्क का आपका पेपर हो जाएगा। 20 × 5, मतलब हर क्वेश्चन 20 नंबर का होना है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क अपने थियरी में गेन करते हो, और वो मार्क आपके मेंटलिटी, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छे से तैयारी रखोगे, क्वेश्चन को जितने अच्छे से समझ पाओगे, जितने अच्छे से समझ करके आंसर लिख पाओगे, उतना ही मार्क आपको मिलेगा। कोई मार्क कटता नहीं है। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, हम जो लिखते हैं उसके हिसाब से नंबर नहीं मिलता है। आप जो लिखते हो उसी के हिसाब से नंबर मिलता है, कोई गलत मार्किंग नहीं होती, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए समझते हैं किस हिसाब से पेपर आपका आना है। तो द्रव्यगुण विज्ञान और भैषज कल्पना का ये पेपर है जो आपका फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 5 का आंसर देना है। तो मेरे हिसाब से जो 5 क्वेश्चन का सेटअप मैंने किया, अभी लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि रस की परिभाषा लिखते हुए इनके प्रकार, भौतिक संगठन तथा चिकित्सीय प्रयोग लिखिए। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं। रस की परिभाषा लिखते हुए इनके प्रकार, भौतिक संगठन तथा चिकित्सीय प्रयोग लिखिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चाहे तो इसका आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो। अगर आपने क्लास की है रेगुलर तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको थोड़ी भी झिझक नहीं होगी, देर नहीं लगेगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं, आंसर लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न के आंसर आपको नहीं आते हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन है आपका, रस की परिभाषा लिखते हुए इनके प्रकार। तो सिंपल सा है, मैंने रस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हो। मैं बता देता हूं रस क्या है। तो अगर वैज्ञानिक परिभाषा में अगर बताएंगे तो जो भी चीजें हम खाते हैं उसका जो स्वाद है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो अगर परिभाषा इस हिसाब से लिखेंगे तो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आसान भाषा में मैं बता देता हूं, जो भी चीजें हम खाते हैं और उनसे जो अनुभूति हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, हमारी जिह्वा को जो अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। तो रस 6 प्रकार के होते हैं, पहले से ही आपको पता है, कटु रस, मधु रस, तिक्त रस, लवण रस और कषाय।
तो छह रस हैं और छह रस की उपयोगिता हमारे शरीर में है। हम जैसा खाते हैं उस हिसाब से हमारे शरीर की प्रकृति जो है बदल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें डिटेल में लिखते जाएंगे, क्योंकि इसमें रस की परिभाषा और उसके प्रकार पूछा है, प्रकार भी आप उसमें मेंशन करेंगे। भौतिक संगठन कैसे ये रस बनते हैं, तो पहले से ही आपको बता दिया गया है कि जितने भी तत्व जो भी हम खाते हैं उसमें हमारे जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी पे जो भी चीजें उग रही हैं उसमें पंच तत्वों का समावेश होता है, और यही जो पंच तत्व हैं नस रस का निर्धारण करते हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों के भौतिक संगठन, मतलब रसों के भौतिक संगठन को समझाना है और चिकित्सीय प्रयोग भी बताना है। तो चिकित्सीय प्रयोग इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जितनी भी औषध द्रव्य हैं उनमें भी रस की उत्पत्ति होती है, रस व्याप्त होता है, रस रहता है, और उसके हिसाब से चिकित्सा में उसका प्रयोग लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूं, जैसे जितने भी कफ वाले रोग हैं, मतलब कि त्रिदोष में जो वात पित्त कफ है उसमें जो त्रिदोष में कफ जो आता है, तो कफ वाले जितने भी रोग हैं उसमें कटु औषधियों को दिया जाता है। कटु मतलब कि जो कड़वी औषधियां हैं, जैसे एग्जाम्पल में मरीच हो गया, पिपली हो गया, तो ये सब ऐसी औषधियां हैं जिनका जो स्वाद है, रस जो है, कटु होता है, और ये एक तरह से रेचन का काम करते हैं, मतलब कफ को खींच करके बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से आप चिकित्सीय प्रयोग में भी इसको दर्शा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है, विभिन्न आचार्यों के मतानुसार औषध ग्रहण काल का वर्णन करें। अगर आपने क्लास की होगी तो ये प्रश्न भी लिखने में बहुत आसान है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, विभिन्न आचार्यों के मतानुसार, तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर विभिन्न आचार्यों के मतानुसार अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पाओगे। तो इस चीज को भूल जाइए, बस आप टॉपिक पे आ जाइए, मेन क्वेश्चन पे आ जाइए, औषध ग्रहण काल। तो औषध ग्रहण काल क्या है, कितने तरह की औषधियां हैं, किन औषधियों को हम कैसे खाते हैं। अगर आपने क्लास नहीं भी की होगी तो एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूं। जैसे जितनी भी तरह की आप दवाइयां खाते हैं, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, एलोपैथ में नहीं जाएंगे, आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयां हम खाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी वैद्य है या चिकित्सक है प्रिस्क्रिप्शन जब लिखता है, जब कहता है कि ये दवा हमें खाली पेट खानी है, ये दवा कुछ खा करके खानी है, ये दवा खाने के बाद से इतने देर बाद खाना खाना है, या कई तरह की दवाइयां हैं, तो उसमें ये बता दिया जाता है कि इस दवा को कुछ अंतराल में ले लेना है। तो ये जो टाइमिंग आपको बताई जा रही है, जो गैपिंग बताई जा रही है, जो समय बताया जा रहा है, सुबह में, शाम में, दोपहर में, या सोने से पहले, या सुबह खाली पेट, तो ये सारे जो समय है वो औषध ग्रहण काल में आते हैं। अब बात आती है लिखने की, एग्जाम में हम लिखेंगे कैसे। तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको पहले से ही पता है, आपके जितने भी सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी टॉपिक हैं ज्यादातर संस्कृत में हैं, तो औषध ग्रहण काल भी संस्कृत में ही है। कितने तरह के औषध ग्रहण काल हैं तो मैं आपको बस एक्सप्लेन करके हिंदी में बता दिया हूं कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब बात आती है मार्क की, अगर आपने इस तरह लिख दिया तो आपको एग्जाम में मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। एकदम मार्क मिलेगा, आप अपनी भाषा में, आप आसान शब्दों में आप लिख सकते हो कि दवा जो औषध ग्रहण काल है वो प्रमुख प्रकार के होते हैं। उसके बाद से आप लिख सकते हैं कि जो सुबह खाली पेट खाने वाली जो औषधियां हैं, मतलब कि खाली पेट लिए जाने वाली औषधियां, खाना खाने के बाद ली जाने वाली औषधियां, सोने से पहले ली जाने वाली औषधियां, ये तो हो गया कि अगर एग्जाम आ गया आपने नहीं पढ़ा था, इस तरह से आपने लिख दिया। और अगर आपको औषध ग्रहण काल आयुर्वेद अनुसार अगर जानना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट कर देता है, तो अगर आपको इसको समझना है तो आप कमेंट में लिखिए, औषध ग्रहण काल का एक आयुर्वेदिक हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से किस किस कैटेगरी में औषध ग्रहण काल है, उस चीज को भी मैं आपके सामने बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट आंसर आपको लिखना है, टिप्पणी करनी है, टिप्पणी लिखना है। तो इसमें चार क्वेश्चन है, चारों में सभी का अंक बराबर है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो जिसमें आपको उपधातु बताना है, तो धातुओं के समावेश से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम उपधातु कहते हैं। विषों का साधारण शोधन, तो विष शोधन की भी प्रक्रियाएं बहुत हैं, बहुत सारी विष शोधन की प्रक्रियाएं हैं। दस मूल,
तो 10 मूल भी आपको पता है, जिसमें बृहत पंचक मूल और लघु पंचक मूल के जो भी तत्व हैं मिला देते हैं, तो उनके समायोजन से जो चीजें बनती हैं उसको हम 10 मूल कहते हैं। मतलब इसमें 10 औषधियों की जड़ें इसमें मिलाई गई हैं। फिर त्रिफला, त्रिफला तो कई बार आपको बताया जा चुका है, त्रिफला बिना त्रिफला के नाम के बिना आयुर्वेद इनकम्प्लीट है। आप देखेंगे तो त्रिफला का वर्णन हर जगह मिल जाएगा और त्रिफला हर बार एग्जाम में पूछ देता है। तो त्रिफला क्या है? तो 3 औषधियों का समावेश है, और वैसे भी त्रिफला बोल रहा है तो त्रिफला का मतलब 3 फल। तो मैक्सिम जो मुख्य चीज है वह क्वेश्चन से ही समझ में, त्रिफला मतलब 3 फल। और 3 फल कौन कौन से होते हैं? आमलकी, हरितकी और बिभीतक। तो आमलकी मतलब आमला, हरितकी मतलब हर्रे, और बिभीतक मतलब बहेड़ा। तो 3 फल होते हैं और तीनों फल की त्वचा, बीज नहीं यूज होता है इसमें, बस फलत्वक यूज होता है। और फलत्वक को सुखा करके कूट पीस करके समान भाग में लेकर के चूर्ण तैयार किया जाता है, उसी चूर्ण को हम त्रिफला कहते हैं। और बीमारी में अगर प्रयोग कहेंगे तो त्रिफला, जिनको नहीं बीमारी है, गैस की दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हैं, जिनको दिक्कत है वो भी लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई शॉर्ट नोट की बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी शॉर्ट, ज्यादा शॉर्ट नोट इसलिए डाला गया कि ताकि आपको ज्यादा टॉपिक तैयार हो जाए। फिर है निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो ये क्या है जो आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताए गए हैं, इसमें 4 चीजें हैं, भेदन, अवलेह, संशमन, अष्टवर्ग। तो ये जितनी चीजें हैं ये औषधियों के गुण, औषधि प्रयोग को बताया गया। भेदन तो ऐसी औषधियां जो ज्यादातर रोगों के ऊपर काम करती हैं, रोग के ऊपर अगर काम कर रही हैं तो उनको हम भेदन औषधि द्रव्य कहेंगे। फिर उसी तरह से अवलेह है, संशमन है, अष्टवर्ग है। तो ये सारी औषधियां अलग अलग प्रयोग में इनके गुणों के आधार पर ली जाती हैं। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, सामान्य गुण, वनस्पतिक नाम, औषधि प्रयोग एवं मात्रा लिखना है। तो एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें आपको मिलानी है। तो सामान्य गुण 10 मूल अगर दिया है तो 10 मूल का सामान्य गुण क्या होगा, उसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, वानस्पतिक नाम क्या है। तो 10 मूल में 10 औषधियां हैं, 10ों का वानस्पतिक नाम आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही आपको बता दी इस टॉपिक में भी 10 मूल दिया हुआ बताया है। बृहद पंचक मूल और लघु पंचक मूल में 5 5 औषधियां, 5ों को मिलाएंगे तो 10 मूल बनेगा। फिर तृण पंचमूल, तो तृण आपको पहले से पता होना चाहिए, तृण घास की पर्यायवाची है। तो तृण में जो औषधि ज्यादातर यूज की जाती है, नागर मोथा, मोथा नागर मोथा, तो तृण पंचक मूल में कौन कौन सी औषधियां हैं उनको आपको लिखना है, उनका वानस्पतिक नाम लिखना है, प्रयोग लिखना है, कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है वो भी बतानी है। फिर त्रिकटु, त्रिकटु भी आप पहले से पढ़े होंगे, त्रिकटु में 3 औषधियां मिली होती है, और कटु मिला हुआ है तो मतलब कि कटु रस है, इसका भी कटु रस है। तो 3 औषधियां त्रिकटु में कौन कौन सी होती है? मरीच होता है, सोंठ होता है और पिपली होता है। तो यहाँ पे तीनों औषधियों को संभाग में मिलाया गया होता है। ज्यादातर ये भी अजीर्ण में दिया जाता है, अजीर्ण में ही डॉक्टर बताते हैं, त्रिकटु जो है अजीर्ण में दिया जाता है। जीवनीय, जीवनीय गण है, तो जीवनीय गण में कौन कौन सी औषधियां होती हैं, उनके वनस्पतिक नाम क्या है और प्रयोग क्या है, मात्रा क्या है। तो ये आपका एक मॉडल पेपर हो गया, जो लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं, जीएनएम लास्ट ईयर में है, मतलब कि आयुर्वेदिक उपचारिकाएं जो हैं वो अपने अंतिम वर्ष का ये पहला पेपर, द्रव्य गुण विज्ञान और भैसर्ज्य कल्पना का मॉडल पेपर, इस हिसाब से आप समझ सकते हो। आशा करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी आप चाहें तो बहुत ही आराम से लिख सकते हो। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो, तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से और भी डिटेल में सारी चीजें समझा सकूं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं, या आयुर्वेद के किसी भी बैच के स्टूडेंट होंगे, चाहे बीएमएस के हों, बी फार्मा के हों, सारे जो टॉपिक हैं, मैं बार बार कहता हूं कि सभी के सब्जेक्ट सिलेबस के कुछ पॉइंट जो है, लगभग हम कह सकते हैं 50 से 60% चीजें मिलती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर वीडियो आ रही है जीएनएम फाइनल ईयर की, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले नहीं पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर वाले नहीं पढ़ेंगे, डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले नहीं पढ़ेंगे, बी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले नहीं पढ़ेंगे, या लास्ट ईयर वाले नहीं पढ़ेंगे, बीएमएस वाले नहीं पढ़ेंगे। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सबका सेम है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। द्रव्य गुण विज्ञान एवं भैसर्ज्य कल्पना दिया है, तो इसमें द्रव्य गुण विज्ञान दिया हुआ है, जो कि फार्मासिस्ट है, जो फर्स्ट ईयर के जो फार्मासिस्ट हैं
उनका ये पेपर है द्रव्य गुण विज्ञान एवं द्रव्य परिचय, ये थर्ड पेपर आता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, जबकि ये बीएमएस वाले भी पढ़ते हैं और आयुर्वेद से जो बी फार्मा करेंगे वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो कहीं कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबके सिलेबस सेम है। तो अगर वीडियो आती है और आपको मिलता है टॉपिक, तो आप अपना सिलेबस हाथ में रखो, पढ़ो सिलेबस, तब जाकर के आपको अपने कोर्स के बारे में भी समझ में आ जाएगा और अपने सिलेबस के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तब आपको दिक्कत नहीं होगी कोर्स समझने के बारे में और सिलेबस समझने के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर नोटिफिकेशन बार ऑन नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो दबाइए। सही लग रहा है टॉपिक में, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बताइए, आपका पूरा जो कंफ्यूजन है क्लियर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।